सन 1815 में हिमाचल में भारतीय सेना की पहली और सबसे बहादुर बटालियन माने जाने वाली गोरखा रेजिमेंट की स्थापना हुई थी और आज गोरखा रेजिमेंट की स्थापना के 200 वर्ष पूरे हुए हैं। सन 1972 में मशहूर भारतीय पेंटर जैमिनी रॉय का निधन हुआ था। जैमिनी अपनी पेंटिंग में खास 7 रंगों को तरजीह देते थे, जिनमें भारतीय रंग लाल, पीला, गेरू, केडियल हरा, सिंदूरी, स्लेटी, नीला और सफेद रंग शामिल थे। वर्ष 1955 में जैमिनी को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। सन 1973 में क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाने वाले देश के महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म हुआ था। तेंदुलकर को पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन 1974 में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कवि और निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, हाहाकार और चक्रव्यूह आदि दिनकर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। साहित्य में अपने योगदान के लिए दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। सन 2013 में ढाका में राणा प्लाजा कपड़ा फैक्ट्री के ढहने से 1129 लोगों की मौत हो गई थी और 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह कंपनी विदेशी कंपनियों के लिए कपड़े बनाती है।